हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक्सिस डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बता रहा हूँ। कैसे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, सिप और या परचेज। मेरे पास एक्सिस में अकाउंट है डीमैट का, तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है तो आप उसके इसके अकॉर्डिंग उसमें सिप म्यूचुअल फंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सचेंज अकाउंट को मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर जाकर हम प्लेस ऑर्डर में जाएंगे, वहाँ जाकर हम कोई भी फंड चूज़ कर लेंगे। ये रिलायंस का, SBI या इसके अलावा और भी है। मेरे एग्जांपल के तौर पे आपको रिलायंस के बारे में बता रहा हूँ। किसी भी फंड का नाम लेंगे और कैटेगरी में, फंड कैटेगरी में हम डिबेंचर या इक्विटी ले लेंगे। हम इक्विटी लेंगे क्योंकि हम इक्विटी में इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद सब कैटेगरी में हम बैंक की ओर दो बैंक की ओर डिवर्सिफाइड हैं, इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो आप आल ही रहने दें इसे, जिससे सभी फंड आगे के आपको शो हो जाएंगे। यहाँ से किसी भी फंड को आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखकर हमने एक सेलेक्ट किया। यहाँ पर परचेज है, इसका मतलब आप एक ही बार में अमाउंट को, बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर सिप है, इसके अकॉर्डिंग आप मंथली इसे उसी अमाउंट को हर मंथली इन्वेस्ट करना होगा। लगता है इसमें प्रॉब्लम, इसमें हम भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमें दूसरा फंड लेना पड़ेगा। हम वैसे ही कुछ भी फंड ले लेते हैं। मैंने एक फंड को चूज़ कर लिया है जिसका प्राइस 251.22 है। इसका हम मंथली 1000 इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर मिनिमम। उसके अलावा आप मंथली इसमें कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे। अब जो अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हो उसे मंथली या क्वार्टरली इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। हम मंथली करेंगे 1000 रुपये। पीरियड मंथली कितने साल का, कितने टाइम का लेना है? मिनिमम 6 है यहाँ पर, मतलब 6 महीने के लिए। हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे इसमें, मतलब 12 महीने। और ये स्टार्टिंग पीरियड है कि स्टार्टिंग पीरियड जो डेट होगी इसका म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करने का, इसका एक टाइम पीरियड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इन्वेस्ट होता है। आपको ये टाइम पीरियड यहाँ पर शो हो रहा है, इस जो भी आपको सही लगता है उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है पोर्टफोलियो नंबर। यहाँ पर आपको, अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पर आपको न्यू नज़र आएगा। मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर नंबर शो होगा, मेरा अपना पोर्टफोलियो नंबर, ठीक है? तो आप न्यू करके इसमें प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया और मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है फिलहाल। ऐसे ही आप किसी और में भी प्लेस ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मान लो SBI का है, SBI में सेलेक्ट किया। यहाँ से कट लिया आपने, यहाँ से आप किसी में भी इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे डिविडेंड है, SBI डिविडेंड या ग्रोथ, हम किसी में ले लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। ये चल नहीं रहा अभी। ये देखो इसका प्राइस है 3.58। अब इसमें भी वही है प्रोसीजर सेम। तो आप, आपको पता चल चुका होगा कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू। ये डीमैट अकाउंट के थ्रू है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। इससे हम जैसे चाहें वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आगे भी कुछ वीडियो जो हैं म्यूचुअल फंड के रिलेटिव आपको ज़रूर पसंद आएंगी, और आपको जरूर पसंद आएंगी, और मैं जल्द ही वो अपलोड करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।